नागिन का बदला आपने आज तक फिल्मों में ही देखा होगा, लेकिन आज आपको हकीकत का बदला बताते हैं। पिछले मंगलवार को बिहरी निवासी जीवन चौहान की जहरीले सांप के काटने से मौत हो गई थी। उसकी चिता की आग अभी तक ठंडी नहीं हो पाई थी। शनिवार रात में उसकी पत्नी पिंकी को भी जहरीले सांप ने डस लिया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो गया। जैसे तैसे परिजन ने खुद को संभाला और दोनों पति पत्नी का अंतिम संस्कार किया। बेहरी ग्राम पंचायत में 6 दिन में लगातार दूसरी चिता को अग्नि देते हुए ग्रामीणों की आंखें नम हो गई। विगत मंगलवार रात्रि में सोते समय जीवन सिंह बेलदार को रात्रि में जहरीले सांप ने काट लिया था, जिसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका और उसकी भी मौत हो गई। उसका अंतिम संस्कार कर परिजन घर लौटे ही थे कि 5 दिन बाद मेहमानों की आवाजाही के बीच में भी रात्रि में घर में सो रही मृतक जीवन की पत्नी पिंकी बाई को भी जहरीले सांप ने अपना शिकार बनाकर डंस लिया। इससे पिंकी की भी मौत हो गई। पोस्टमार्टम कर शव परिजन को सौंपा। सुबह बिहरी निवासियों ने जब खोजबीन की तो समीप में बनी शौचालय में नागिन दिखाई दी। चापड़ा से सांप विशेषज्ञ को बुलाकर नागिन को पकड़वाया, लेकिन गुस्सैल नागिन ने फिर इसी को डंसने के इंतजार में थी। इसका डर होने के कारण लोगों ने उसे मार दिया। गौरतलब है कि अभी तक अंत्येष्टि राशि पति की नहीं मिल पाई थी और पत्नी ने भी उसी सांप का शिकार होकर दम तोड़ दिया।